अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज हम गांव से निकल के आ गए हैं थोड़ा दूर, क्योंकि आज भी हमारे साथ साईं मौजूद है। तो साईं ने कहा भाई थोड़ा सा चक्कर लगा लेते हैं, अभी होटल पे हमने चाय पी है। तो साईं ने कहा आगे चल के थोड़ा विजिट करते हैं और गाँव का बाहर से लुक दिखाते हैं। तो भाई साईं ख्याल से गिर जाओगे साईं? आप निकालोगे ना अगर गिर? हाँ हम तो मौजूद है। ये देखें, ये भाई ये देखें, पानी वानी चल रहा है यहाँ पे पूरा, और सरफराज भी मौजूद है। और ये हमारी नहर है गाँव की, और ये सामने हमारा गांव है, और ये गांव की जो है ना नहर जा रही है, यहाँ पे ज़मीनों का पानी वानी इसमें से दिया जाता है पूरा जो भी होता है। तो ये देख रहे हैं सरफराज भी आ गया है, साईं भी साथ में माशाल्लाह। तो साईं ने कहा भाई चक्कर लगा लेते हैं, तो हमने कहा चलो भाई चक्कर लगा लेते हैं और विज़िट भी कर लेते हैं और गाँव का बाहर का लुक भी देख लेते हैं। तो ये नहर है भाई, और ये पानी आ रहा है यहाँ से और सीधा सीधा जाके आगे तक जा रही है। बहुत सब जमीनों को आबाद करता है, पूरी जमीनों का पानी जाता है, जमीनों को आबाद करता है। अच्छा, सरफराज की जमीन भी तो यहाँ पे ही है ना कहीं? हाँ, कहाँ पे सरफराज? आगे चलेंगे तो जमीन। अच्छा चलो भाई आगे चलते हैं सरफराज की जमीन। चलो चलो देखते हैं सरफराज की जमीन कहाँ है। तो सरफराज की जमीन भी थोड़ा सा आगे ही है, और ये रास्ता है हमारे गांव का, ये शिकारपुर की तरफ जा रहा है, ये एक दूसरा शहर है उसकी तरफ जा रहा है, ये इधर भी रास्ता जा रहा है, बहुत सारी। कहाँ पे साईं? हाँ यार यहाँ पे बोल रहे बहुत बड़ा सांप रह रहा है, तो अल्लाह माफ करे। अच्छा अच्छा सही, हाँ ना ख्याल कर जे साईं, इन जो मतलब सांप का भो भी थण घर जे मणो के यार कारियारी गडबो ताए पानी आरो गडबो ही न। तो भाई आगे की तरफ जा रहे हैं हम, थोड़ा तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे जाएंगे और फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। अभी थोड़ा आगे जा रहे हैं और थोड़ा खेतों वेतों का मज़ा ले रहे हैं, और मज़ा लेके साईं के पास अभी काल आई। और ये पूरी ज़मीनें हैं यहाँ पे, पेड़ वगैरह भी लगे हुए हैं, रोड पूरा है माशाल्लाह। तो ये तकरीबन आने जाने की जगह है, लोग देख रहे हैं शिकारपुर की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कुछ शिकारपुर से आ रहे हैं, कुछ शिकारपुर की तरफ जा रहे हैं। तो वो सामने हमारा गांव है, ये एक सामने नहर है, और साईं ने कहा कि भाई चक्कर लगा के आ जाए, सरफराज भी साथ में, मैं भी साथ में हूँ। और चाय वगैरह हमने पी ली होटल पे, वहाँ पे एक होटल था वहाँ पे हमने चाय वगैरह पी ली। और हमारे तो गांव में यही रूटीन होती है, रोज़ की रूटीन होती है, यहाँ पे चाय वगैरह भी पीते हैं और फिर गपशप लगा के फिर आगे का टूर भी करते हैं। जैसे ये साईं वाले जा रहे हैं आगे, इस तरीके हम आगे भी जाते हैं, चक्कर भी लगाते हैं। और ये लोग समेट रहे हैं अपनी ज़मीनी, आस्ते आस्ते समेट रहे हैं। सूरज भी आप देख सकते हैं कि अभी तकरीबन दिन के 3:30 बज रहे हैं। अच्छा ये पेड़ आप देख रहे हैं, इसमें से जो ना गांव के जो तकरीबन झाड़ू वगैरह जो आपको मिलते हैं बाहर, वो झाड़ू वगैरह इसमें से बनते हैं। और गांव में जो छत वगैरह होती है, और जो छत होती है वो तकरीबन इसमें से वो एक मटेरियल बनता है, और फिर वो ढकने के काम आता है ये चीज़, ये पेड़ जो भी है ये उसमें से काम आती है, इसमें से छत का मटेरियल बनता है। और जो घरों में झाड़ू वगैरह देते हैं वो भी इसमें से बनता है। और ये पेड़ है, इसमें बहुत ज़बरदस्त कांटे होते हैं, ये देखें कितने बड़े बड़े कांटे हैं, अगर ये सुई जैसे कांटे होते हैं ये चुभ जाए ना तो बहुत मसला हो जाता है। ये देखें कितने बड़े बड़े कांटे इसमें मौजूद हैं, ये अगर लग जाए ना तो बस खून बहना शुरू हो जाता है, ये सुई की तरह बहुत तेज़ होता है। और इसमें से बनते हैं झाड़ू और छत वगैरह बनती है।
तो भाई बस ये कि यही सीन है कि हम निकल के आ गए बाहर और थोड़ा घूमा फिरा, अपने गांव के बाहर से विजिट किया, मौसम को एंजॉय किया, माहौल देखा यहाँ का। और अभी बस खराब है यार, माहौल खराब है सही, इतना जबरदस्त नजारे हैं, आप बोल रहे माहौल खराब है, लोगों का माहौल खराब हो चुका है, लोगों का माहौल यहाँ के लोग खराब हो चुके हैं। बाकी जो है ना मौसम वैसा ही है, अपने पेड़ वैसे ही है, जमीन वैसी हो रही है, लेकिन लोगों की जो नियत और फितूर है वो खराब हो गया, वो खराब हो गया। साईं बहुत डिस्टर्ब है आजकल लोगों से, जाहिर बात है सब डिस्टर्ब होते हैं, ये माहौल हर जगह होता है। तो बस घूमने फिरने आए थे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, फिर किसी नए व्लॉग में मिलेंगे, नई जगह पे मिलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कोई नई जगह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।